हेलो बच्चों कैसे हो आप सभी स्वागत है आपका अपनी चैनल एक्सपोज केमिस्ट्री पर जहां पर हम आपको साइंस इलेवन ट्वेल्थ और बीएससी की फ्री केमिस्ट्री क्लासेस प्रोवाइड करते हैं तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा को आपका एक टॉपिक रहता है इसके अंदर बेसिसिटी ऑफ अमाइंस दो तीन लेक्चर होंगे फिर ये चैप्टर जो है हमारा खत्म हो जाएगा नाइट्रो कंपाउंड एंड आइजोनियम्स और जो चैप्टर है उनको हम फिनिश कर चुके हैं तो देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक अब हम करते हैं बेसिसिटी ऑफ अमाइंस बेसिसिटी ऑफ तो देखिए जिस तरीके से बेटा अमोनिया जो है वो बेसिक होता है नेचर में ठीक है बताइए अमोनिया एसिडिक होता है एसिडिक होता है बेसिक बेसिक होता है नेचर के अंदर तो जैसे अमोनिया बेटा बेसिक होता है नेचर के अंदर ऐसे ही जो अमाइंस है वो भी बेसिक होते हैं नेचर के अंदर ठीक है जो हमारे अमाइंस है वो भी क्या होते हैं बेसिक होते हैं नेचर के अंदर राइट right. तो यहां पर हम किस तरीके से जो इनका बेसिक कैरेक्टर एक्सप्रेस करते हैं जो बेसिसिटी है की उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं यहां पर हमारे पास एक कन्वीनियंट बेटा एक्सप्रेस करने का बेसिसिटी को अमाइंस की इन टर्म्स ऑफ बेसिसिटी कांस्टेंट ठीक है इक्लेब्रियम कांस्टेंट यहां पर हम देखते हैं तो देखिए यहां पर हमारे पास है अमाइन वॉटर फॉर्म करेगा आर एन एच थ्री पॉजिटिव एंड प्लस नेगेटिव तो यहां पर अमाइन ने क्या किया जो प्रोटोन proton है प्रोटोनेशन हो गई प्रोटोन को गेन कर लिया और यहां पर फॉर्म हुआ अमोनियम कैटायन ठीक है क्या फॉर्म हो गई अमोनियम कैटायन फॉर्म हो गया अगर मैं पे कांस्टेंट को राइट करती हूं तो क्या आएगा बेटा प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट होता है तो यहां पर जो इक्लिब्रियम कांस्टेंट है केबी केबी क्या है बेटा बेसिसिटी कांस्टेंट है कॉल्ड बेसिसिटी किसके इक्वल होगा प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन NH3 positive and पॉजिटिव OH एंड By me नेगेटिव are NH2 रिएक्टेंट water. एंड इस तरीके से हो जाएगा अब वाटर को हम क्या बेटा बहुत ज़्यादा एक्सेस में लेते हैं यहाँ पर लार्ज अमाउंट में तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं के बी को के बी इज इक्वल टू आर एन एच थ्री पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव सिर्फ वाटर हट जाएगा बिकॉज इसके कंसेंट्रेशन पे इतना कुछ खास इफेक्ट नहीं आएगा एंड इक्वल हो जाएगा ये के इक्लेब्रियम एक वाटर के आ जाएगा वाटर एंड इज इक्वल टू के बी ठीक इसके के बी इसके इक्वल हमने लिख दिया है किसके इक्वल हो जाएगा बेटा ये के बी के इक्वल हो जाएगा तो जो हमारी के बी है किसके इक्वल आ गई वो आर एन एच थ्री पॉजिटिव वाटर अब यहां पर ये जो बेसिसिटी कॉन्स्टेंट है जितनी ज्यादा बेटा के बी होगा उतना ही जो बेस है हमारा वो स्ट्रोंगर होगा ठीक है क्या बोल रहे हैं हम के बी जितनी ज्यादा उतना स्ट्रोंगर बेस ठीक है उतना ही स्ट्रांगर क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा जितनी ज्यादा के बी होगी और यहाँ पर जो सिटी है माइंस की उसको हम और किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं बेटा यहाँ पर हम एक्सप्रेस करते हैं जो हमारी बेसिस कॉन्स्टेंट है के बी इसका हम नेगेटिव लॉगरिथम ले, ले लेते हैं ठीक है वो किसके गोल होता है पीके बी के ठीक है तो यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ पीके बी भी हम लेते हैं तो पीके बी क्या होता है पीकेबी इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ के बी माइनस ऑफ लॉग ऑफ के बी ये होता है हमारी पी के बी तो पी के बी क्या है नेगेटिव लॉगरिथम है है बेसिसिटी कॉन्स्टेंट का माइनस ऑफ लॉग ऑफ के बी अब यहां पर अपोजिट हो जाएगा पीकेबी जितनी कम होगी बेटा पी के बी जितनी कम होगी उतना ही स्ट्रोंगर बेस होगा तो उतना ही क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रोंगर बेस हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर केबी जितनी ज्यादा है उतना ही स्ट्रांगर बेस है पी के जितनी कम है उतना ही स्ट्रोंगर बेस है ठीक है तो यहां पर जो बेसिसिटी उसको हम किस तरीके से देख रहे हैं यहां पर देखिए जो हमारे अमाइन है वो कितना ईजिली ठीक है कितना ईजिली वो प्रोटोन को एक्सेप्ट कर रहा है उसकी प्रोटोनेशन हो रही है और फॉर्म कर रहा है वो अमोनियम आयन को ठीक है बेसिसिटी किस पर डिपेंड करिए कितना ईजली वो ठीक है कितना ईजिली जो अमाइन है प्रोटोन को एक्सेप्ट कर रहा है ठीक है उसकी प्रोटोनेशन हो रही है और वो फॉर्म कर रहा है अमोनियम कैटायन को और इस अमोनियम कैटायन की स्टेबिलिटी पे भी ठीक है किस पे डिपेंड कर है स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर है? हमारी जो है, वो डिपेंड करेगी कितनी स्टेबिलिटी है इस अमोनियम अमोनियम की आफ्टर प्रोटोनेशन गेन करके जो हमारा फॉर्म हुआ इसकी स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करेगी बेसिसिटी समझ में आया बेटा नोट करो यहां तक यहां पर हम क्या देखते हैं कि जो हमारे एलिफेटिक अमाइंस होते हैं एलिफेटिक अमाइंस यहाँ पर प्राइमरी है सेकेंडरी है टर्सरी है ये जो तीनों क्लासेस हैं एलिफेटिक अमाइंस के ये स्ट्रांग बेसिस होते हैं ठीक है स्ट्रांगर होते हैं ये बेसिस किसके कंपेयर में अमोनिया के कंपेयर में ये जो अमोनिया है इसके कंपेयर में ये जो एलिफेटिक अमाइंस है बेटा ये स्ट्रांगर बेसिस होते हैं ठीक है स्ट्रांग बेसिस है ये अमोनिया से इसी तरीके से जब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर एरोमेटिक अमाइंस की ठीक है जो हमारे एरोमेटिक अमाइंस है वो कम बेसिक होते हैं ठीक है वो इतने ज्यादा बेसिक नहीं होते हैं वो अमोनिया से लेस बेसिक होते हैं यहाँ पर अमोनिया जो है वो स्ट्रॉग बेस है एरोमेटिक अमाइन से अगर हम बात करते हैं बेटा मिक्सड एलिफेटिक और एरोमेटिक की मिक्सड एलिफेटिक एंड एरोमेटिक की अगर हम इनकी बात करते हैं मिक्स एलिफेटिक एरोमेटिक अमाइंस के केस में हम क्या देखते हैं यहाँ पर जो मिक्सड एलिफेटिक एरोमेटिक है बेटा वो थोड़ी सी स्लाइटली uh, हम बोल सकते हैं वो स्ट्रोंगर बेसिस होते हैं एरोमेटिक अमाइन से ये स्लाइटली क्या है बेटा स्ट्रोंगर होते हैं किन से एरोमेटिक अमाइन से जो हमारे एरोमेटिक है ना उनसे स्लाइटली स्ट्रॉन्गर होती हैं जो हमारे मिक्स्ड एलिफेटिक एरोमेटिक हैं कंपेयर में एरोमेटिक की तो ज्यादा कौन हुई पर मिक्स्ड एलिफेटिक एरोमेटिक होंगी देन एरोमेटिक अमाइंस से ये वाली स्ट्रांग होंगी इनके कंपेयर में तो देखिए अब यहाँ पर जो एलिफेटिक अमाइंस हैं वो ज्यादा क्यों होते हैं बेसिक अमोनिया से है ना हमारे पास क्या रीजन है इसका कि जो हमारी अमोनिया हैं अमोनिया से ज़्यादा बेसिक हैं जो एलिफेटिक अमाइंस हैं वो ऑल राइट right? तो यहाँ पर हम लिखेंगे एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रोंगर बेसिस एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रोंगर बेसिस देन अमोनिया देन अमोनिया ऐसा क्यों है इसका क्या रीज़न है इसको हम देखेंगे बेटा ठीक है तो यहाँ पर तीन क्लासेस है।, है सेकेंडरी है और टर्शरी है, तो है? है। अमोनिया की के तीनों ही क्या होता है बेटा हाइड्रोजन होते हैं कॉपी पेन ठीक है जरूर होना चाहिए आपके पास ठीक है नोट करते जाना है आपको क्योंकि बेटा अभी के लिए आपको याद हो जाएगा अभी के लिए आपको चीजें समझ में आ जाएंगी बट लॉन्ग टाइम के लिए आपको याद रखने के लिए क्या है बेटा लिखना पड़ेगा ठीक है तो मैं आपको तो हर वीडियो में यही बात बोलती हूँ कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो तो देखिए हमारे पास ये क्या है अमोनिया है ठीक है ये क्या है बेटा अमोनिया है अमोनिया और ये क्या है हमारा प्राइमरी अमाइन है प्राइमरी अमाइन इस तरीके से ये क्या हो जाएगा हमारा सेकेंडरी अमाइन हो जाएगा यहाँ पर दो आर ग्रुप है और ये क्या हो जाएगा हमारा टर्शरी अमाइन हो जाएगा यहाँ पर तीन आर ग्रुप आ जाएंगे ये क्या है सेकेंडरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन और ये क्या है बेटा टर्सरी अमाइन तो यहाँ पर अब हमें देखना है कौन ज्यादा बेसिक है हम पहले पढ़ चुके हैं इस चीज को कि जो एलिफेटिक अमाइन से तीनों क्लासेस ये स्ट्रॉन्ग है बेसिस देन अमोनिया से ऐसा क्यों है रीजन क्या है इसका अब देखिए अमोनिया में तीनों क्या है बेटा हाइड्रोजन है अब जहां पे कुछ अलग होगा ठीक है तो उस डिफरेंस से ही हमें क्या पता चलेगा रीजन पता चलेगा कि इनका जो बेसिक नेचर है वो जो बेसिसिटी है एलिफेटिक एलिफेटिकमाइंस की वो ज़्यादा क्यों है अब यहाँ पर तो दोनों हाइड्रोजन बट यहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर एक आर ग्रुप आ रहा है ठीक है यहाँ पर ऐसे ही क्या है बेटा दो आर आ रहे हैं यहाँ पर ऐसे ही क्या है बेटा तीन आर आ रहे हैं तो डिफरेंस यहाँ पे है अब ये जो आर है बेटा क्या होता है एल्काइल ग्रुप है क्या है ये एल्काइल ग्रुप होता है और जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं अल्काइल ग्रुप्स का कैसा इफेक्ट होता, होता। है बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं ये ठीक है इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं अब बेसिक का मतलब क्या है ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो जितनी आसानी से दे दे ठीक है जितनी इजिली जो इलेक्ट्रॉन पेयर को दे देगा वो उतना ही बढ़िया बेसिक हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा वो तो यहां पर अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर को देगा इलेक्ट्रॉन पेयर को ये भी देगा बट डिफरेंस क्या है दोनों के देने में ये आसानी से देगा क्यों बिकॉज यहां पर ये जो अल्काइल ग्रुप है इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है और ये नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा ठीक है यहां से अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी ये इलेक्ट्रॉन पेयर जाने के बाद में तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है सप्लाई कर रहा है पीछे से ठीक है तो यहां पर ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा बिल्कुल ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को दे देगा बिकॉज इसके पीछे से सप्लाई आ रही है इलेक्ट्रॉन के इसके पास ठीक है बट यहां पर कोई भी ऐसा सच इफेक्ट नहीं है एलकाइल ग्रुप यहाँ पर एक भी नहीं यहाँ पर तीनों क्या है बेटा हाइड्रोजन है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को तो ये भी देगा इलेक्ट्रॉन पेयर को ये भी देगा ये भी और ये भी बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है डिफरेंस ये है कि ये जो आर ग्रुप है बेटा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रोजन पर बढ़ा देगा तो ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को दे देगा तो इसलिए बढ़िया भी सोचेगा अब यहाँ पर एक ग्रुप है यहाँ पर ऐसे बेटा दो ग्रुप है अब ये दो ग्रुप दोनों ग्रुप क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे नाइट्रोजन पे तो ये और आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को देगा अब यहाँ पर बेटा ऐसे तीन ग्रुप हैं तो ये और भी आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को देगा बिकॉज ये तीनों क्या करेंगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे नाइट्रोजन पे ठीक है बिकॉज इनका कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है समझ आई बात तो यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप है यहां पर ऐसे दो अल्काइल ग्रुप है यहां पर ऐसे तीन अल्काइल ग्रुप है और कैसा इफेक्ट है इनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स को बेटा ये देंगे ठीक है और ये इलेक्ट्रॉन्स को देंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये नाइट्रोजन पे बढ़ा रहे हैं तो इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है बहुत आसानी से दे देगा समझ आई बात तो इसलिए सबसे ज्यादा मुझे बेसिक बताओ कौन से शाबाश टर्शरी उसके बाद सेकेंडरी उसके बाद प्राइमरी एंड उसके बाद अमोनिया तो सबसे बढ़िया कौन हो जाएगा बेटा ट्रेंड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी एंड देन हमारा अमोनिया ठीक है तो हम लिखते हैं यहाँ पर टर्शरी सबसे ज्यादा देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी उसके बाद अमोनिया ये हमारा उड़ रहा जाएगा बेसिस ठीक है, है? बट अगर हम देखते हैं बेटा एक्वा सोल्यूशन के अंदर ठीक है अब यहां पर अगर हम बात करते हैं एक्वस सोल्यूशन में इन एक्वस सोल्यूशंस अब एक्वा सोल्यूशंस में अगर हम देखते हैं तो यहां पर ये यह जो ट्रेंड है बेटा ये जो हमारा ऑर्डर है ये हमें कुछ और ही देखने को मिलता है जो एक्चुअल ऑर्डर है ये हमें देखने को नहीं मिलता कुछ अलग ही ऑर्डर अनएक्सपेक्टेड जो ऑर्डर है वो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर एक्वा सोल्यूशंस के अंदर तो देखिए अगर हम मिथाइल के केस में देखते हैं मिथाइल और इथाइल दोनों के केस में अलग होता है अगर हम मिथाइल के केस में देखते हैं तो यहाँ पर ऑर्डर किस तरीके से होता है देखिए एक्वा सोल्यूशन के अंदर यहाँ पर आ जाएगा सी एच थ्री अब यहाँ पर देखिए एक छोटी सी ट्रिक है ठीक है जिससे आप याद रखेंगे अब मिथाइल के केस में भी छोटा ग्रुप है ये थोड़ा बड़ा ग्रुप है तो छोटे के लिए यहां पर होता है बेटा दो ठीक है आप ऐसे याद रखेंगे और इसके लिए होता है बेटा दो ठीक है इससे जस्ट एक हमें लर्न करनी की ठीक है इजिली हमें ये याद हो जाए जहां पर आपको रीजन नहीं देना तो आपको बिल्कुल लर्न हो ठीक है आपको लिख के ना करना पड़े वो चीज बस एकदम फटाक से आपको याद आ जाए बट इसका जो रीजन है क्या है उसको हम अच्छे से समझेंगे ठीक है रीजन क्या है इसका उसको भी तो यहां पर दो सौ दे रहे तो मतलब यहां पर सेकेंडरी आ जाएगा तो ये सेकेंडरी है एन एच सेकेंडरी है उसके बाद बेटा प्राइमरी होगा तो सी एच थ्री यहां पर थ्री एन उसके बाद क्या बेटा हमारा टर्सरी होगा प्रा, प्राइमरी है तो ये प्राइमरी में तो बेटा सारी ही तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी एच थ्री एन एच टू एन एच टू यहाँ पे क्या टर्सरी है तो सी एच थ्री थ्राइस एंड एन ठीक है तो ये क्या हो जाएगा बेटा सेकेंडरी देन प्राइमरी एंड देन टर्सरी ये हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो दो सौ इकतीस है तो सेकेंडरी आएगा सी एच थ्री सी एच टू सेकेंडरी है उसके बाद यहां पर प्राइमरी है यहां पर टर्शरी है अब यहां पर अपोजिट हो जाता है ठीक है यहां पर पहले टर्शरी आएगा अब यहां पर टर्शरी पहले आ जाएगा सी एस थ्री सी एच टू यहाँ पर टर्शरी है एंड उसके बाद यहां पर क्या जाएगा? आ जाएगा फिर प्राइमरी आ जाएगा यहां पर टर्श्री आ गया सी एस थ्री एन एच टू ठीक है बेटा ये हमारा ऑर्डर होता है मिथाइल और इथाइल के केस में ठीक है बेटा ये ऑर्डर होता है हमारा सबसे बाद में यहां पर क्या होता है हमारा अमोनिया होता है होता है, सेकेंडरी है? है, है, ठीक सेकेंडरी प्राइमरी दो है, 213. उसके बाद है देन इकतीसरी है एंड प्राइमरी. उसके बाद लास्ट तो बेटा एक्चुअल ऑर्डर तो हमारा ये था अभी एक्चुअल ऑर्डर से कुछ अलग ऑर्डर आ रहा है अनएक्सपेक्टेड हमें ऑर्डर देखने को मिल रहा है एक्वे सोल्यूशन में जो ऑर्डर है वो डिफरेंट क्यों आया यहाँ पर बेटा जो हमारी बेसिसिटी है माइन की वो किस पर डिपेंड कर रही है डिपेंड कर रही है हमारी अमोनियम जो कैटायन है जो एन पॉजिटिव बेटा फॉर्म हुआ है आफ्टर प्रोटोनेशन ठीक है प्रोटोन को गेन करके ही पहले एनएच टू एनच थ्री क्या किया बेटा गेन किया प्रोटोन को तो यहां पर एन थ्री पॉजिटिव फॉर्म हो गया अमोनियम कटाइन अब इसकी स्टेबिलिटी पर बेटा डिपेंड करती है हमारी जो बेसिसिटी है कितना बेसिसिटी है उसकी ठीक है और ये जो हमारी स्टेबिलिटी अमोनियम कटाइन की ये डिपेंड करती है बेटा तीन फैक्टर पे बेसिसिटी डिपेंड कर रही है इसकी स्टेबिलिटी पे और इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड कर रही है बेटा हमारे तीन फैक्टर्स के ऊपर कौन कौन से तीन फैक्टर सोल्यूशन के अंदर यहां पर तीनों फैक्टर्स को हम राइट करेंगे थ्री फैक्टर्स है बेटा यहां पर थ्री फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर एल्काइल ग्रुप होता है यहाँ पर ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है एक तो प्लस आई इफेक्ट एल्काइल ग्रुप्स का ऑफ एल्काइल ग्रुप्स प्लस आई इफेक्ट एल्काइल ग्रुप्स का और एल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होगा बेटा स्टेरिक इफेक्ट भी होगा ठीक है स्टेरिक इफेक्ट होता है स्टेरिक इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स

स्टेरिक इफेक्ट एंड सोलन इफेक्ट ये तीनों इफेक्ट से ही इन्हीं को कंसिडर करके बेटा ये हमारा ऑर्डर आता है मिथाइल के केस में क्या ऑर्डर हो जाएगा बेटा यहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी प्राइमरी देन टर्शरी और इथाइल के केस में क्या हो जाएगा बेटा सेकेंडरी देन टर्शरी एंड देन प्राइमरी तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा सी एच थ्री सी एच टू ठीक है ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा मिथाइल के केस में और इथाइल के केस में रीजन क्या है ये हमारे थ्री फैक्टर्स इनके कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री फैक्टर्स क्या है हमारा बेटा इन ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ठीक है तो ये जो तीन फैक्टर है बेटा इनको हम और ज्यादा डिटेल में अब स्टडी करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल फर्स्ट फैक्टर कौन सा है यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है एक तो प्लस आई इफेक्ट है किसका एल्काइल ग्रुप्स का प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स सेकेंड फैक्टर कौन सा है यहाँ पर हमारे पास बेटा सॉल्वेशन इफेक्ट है सॉल्वेशन इफेक्ट फिर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर और थर्ड है बेटा यहाँ पर स्टेरिक इफेक्ट स्टेरिक इफेक्ट ऑफ फिल्काइल ग्रुप्स ऑफ फिल्काइल ग्रुप्स ठीक है बेटा ये तीन फैक्टर है बेटा तो ये जो तीनों फैक्टर्स है बेटा कॉम्बिनेशन यहाँ से हम क्या देखते हैं जो बेसिसिटी है अमाइंस की उसको ठीक है किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी किसकी कम होगी किस बेसिस पे हम देखेंगे यहां पर इन तीनों फैक्टर्स को कंसिडर करके तो यहां पर देखिए जो बेसिसिटी है माइंड की फर्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा प्लस आई इफेक्ट क्लकाइल ग्रुप्स के तो यहां पर सबसे ज्यादा जो बेसिसिटी है किसकी किस में होती है प्लस आई इफेक्ट की वजह से बेटा टर्शरी की देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी देख चुके हैं इस चीज को देखिए फर्स्ट आता है हमारे पास प्लस आई इफेक्ट प्लस इफेक्ट है तो यहाँ पर एक है हमारे पास बेटा प्राइमरी और हाइड्रोजन है ये हमारा आर है तो एक है प्राइमरी बेटा एक है सेकेंडरी जिसमें दो आर है प्राइमरी में एक आर है टर्सरी में तीन आर है ठीक है तो यहाँ पर जब हम देखते हैं आर एन एच थ्री पॉजिटिव को बेटा आर एन एच थ्री पॉजिटिव जब हमारे पास सिर्फ एक आर ग्रुप है तो यहाँ पर जैसे जैसे बेटा जो आर ग्रुप है वो बढ़ेंगे ठीक है प्राइमरी से प्राइमरी से सेकेंडरी पे हम जाएंगे सेकेंडरी से टर्शरी पे हम जाएंगे तो जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी सेकेंडरी से टर्शरी पे हम जाएंगे तो यहां पर जो आर ग्रुप है बेटा वो क्या होंगे हमारे इंक्रीज होंगे ठीक है 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 एक आर 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 ग्रुप 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 दो तीन तो यहाँ पर जो प्लस आई इफेक्ट हमें क्या देखने को मिलता है बेटा यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है बिकॉज यहां पर हमारे तीन आर ग्रुप हैं तो जैसे जैसे हम इस साइड जाएंगे तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है बेटा अमोनियम कैटायन की वो क्या होगी बेटा हमारी इंक्रीज हो जाएगी स्टेबिलिटी ठीक है क्यों हो जाएगी इंक्रीज यहां पर जो हमारा नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसका क्या होगा बेटा डिस्पर्जल होगा ये जो पॉजिटिव चार्ज, है।, जो चार्ज है, है ये जो पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन पे इसका क्या होगा बेटा डिस्पर्जल होगा ठीक है ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या हो जाएगा डिस्पर्ज हो जाएगा ऑल तो जो हमारी स्टेबिलिटी है अमोनियम के टाइम की वो बढ़ जाएगी अब एक और ग्रुप है तो क्या होगा दो आर ग्रुप है तो और ज्यादा हो जाएगी तीन आर ग्रुप है तो और ज्यादा हो जाएगी ठीक है तो जैसे हम प्राइमरी से सेकेंडरी सेकेंडरी से टर्शी से से में जाएंगे तो यहाँ पर जो बेटा डिस्पर्जल है पॉजिटिव चार्ज का जो कि नाइट्रोजन पे है जो कि अमोनियम कैटायन पे है वो क्या हो जाएगा बेटा हमारा बढ़ जाएगा जिससे कि जो स्टेबिलिटी अमोनियम कैटायन की बढ़ जाएगी और जो हमारी बेसिसिटी है वो भी है इंक्रीज हो जाएगी तो इसलिए प्लस आई इफेक्ट को अगर हम बेटा लेते हैं सिर्फ प्लस आई इफेक्ट की वजह से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा टर्शी देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी ये हमारा उड़्रा जाएगा क्लियर हुआ बच्चों उसके बाद सेकंड अगर हम देखते हैं बेटा यहां पर सोल्वेशन इफेक्ट को ठीक है एक्सटेंट को हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ठीक है विद वाटर, तो यहां पर देखिएगा अगर मेरे पास प्राइमरी है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन है यहाँ हाइड्रोजन है यहाँ पर हाइड्रोजन है ये हमारा अमोनियम कटाइन है तो यहाँ पर कितने बेटा तीन हाइड्रोजन है अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे हाँ अमोनियम तो के के पास उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी तो उसकी ज्यादा स्टेबिलिटी हो तो जाएगी और उतनी ज्यादा बेसिसिटी हो जाएगी ठीक है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन चाहिए तो ये हाइड्रोजन ज्यादा किस में बेटा प्राइमरी में ज्यादा है तो यहाँ पर ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी अमोनियम कटाइन की तो बेसिक भी ज्यादा हो जाएगा क्लियर हुई चीजें तो यहाँ पर देखो तीन हाइड्रोजन है था? था? तो तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी अब यहां पर देखो ये क्या है प्राइमरी के केस में सेकेंडरी अब ये जो हमारा प्राइमरी अमाइन से ड्राइव अमोनियम कटायन है इसके पास तीन हाइड्रोजन है तो यहां पर तीन हाइड्रोजन की वजह से क्या होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो जाएगी ठीक है तीन हाइड्रोजन के साथ होगी कैसी होगी देखो यहां पर ओ एच टू यहां पर ओ एच टू एंड यहां पर ओ एच टू ठीक है प्राइमरी के केस में इस तरीके से होगा अब सेकेंडरी अमाइन से जो हमारा अमोनियम कटाइन ड्राइव होगा उसके पास क्या बेटा दो हाइड्रोजन यहां पर आर ग्रुप आ जाएगा सेकेंडरी केस में अब टर्शी केस में क्या होगा बेटा यहां पर तीन आर ग्रुप आ जाएंगे सिर्फ एक बचेगा ठीक है टर्शी अमाइन से जो हमारा ड्राइव अमोनियम कटाइन है उसके पास क्या होता है सिर्फ एक हाइड्रोजन होती है तो यहां पर सिर्फ एक यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी वाटर मालिक्यूल के साथ में ठीक है तो यहां पर तीन के साथ हो रही है तीन हाइड्रोजन से तो किस में ज्यादा हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा प्राइमरी में ज्यादा हो रही है तो सोलव्यूशन इफेक्ट को अगर हम देखेंगे तो प्राइमरी की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है प्राइमरी की बेसिसिटी भी ज्यादा हो जाएगी फिर सबसे ज्यादा प्राइमरी देन सेकेंडरी एंड दे टर्सरी ऐसा हो जाएगा क्लियर पॉइंट उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर स्टेरिक इफेक्ट की ठीक है यहाँ पर स्टेरिक इफेक्ट भी होगा टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से अब यहाँ पर देखो हमारे पास प्राइमरी है देखिए प्राइमरी के केस में क्या है एक आर ग्रुप है सेकेंडरी केस से में दो आर ग्रुप है टर्सरी केस में तीन आर ग्रुप आएंगे अब ये जो तीन आर ग्रुप है ये क्या करेंगे बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस करेंगे टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है बिकॉज बड़े ग्रुप हो जाएंगे ठीक है जो एलका ग्रुप है हमारी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन तो इसलिए टर्सिगे के इसमें क्या हो जाएगा बेटा सबसे ज्यादा हो जाएगी हमारी जो स्टेरिक हिंड्रेंस है तो इसलिए स्टेरिक इफेक्ट को भी देखते हुए सोलवेशन इफेक्ट को भी देखते हुए और यहां पर हम तीसरा स्टेरिक इफेक्ट को भी देखते हुए ठीक है स्टेरिक इफेक्ट को भी अगर हम देखेंगे स्टेरिक जो हिंड्रेंस स्टेरिक रिपल्शन जो होगा टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है वो क्या करेंगे बेटा स्टेरिक इफेक्ट और सॉल्वेशन इफेक्ट इन दोनों की वजह से अगर हम देखते हैं हमारे ट्रेंड को ऑर्डर को तो वो कैसा आता है देखो प्राइमरी सबसे ज्यादा देन सेकेंडरी एंड देन टर्सरी सबसे ज्यादा किसकी होगी प्राइमरी की हो जाएगी बेसिसिटी उसके बाद सेकेंडरी उसके बाद डर्स डिक्रीज का ऑर्डर ये हो जाएगा हमारा ठीक है सबसे ज्यादा प्राइमरी क्यों <coughs> बिकॉज यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी ज्यादा तीन हाइड्रोजन है और यहाँ पर हमारा जो स्टेरिक इंड्रेंस है वो भी नहीं होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में और सेकेंडरी की इस में अगर हम देखते हैं यहां पर दो हाइड्रोजन है ठीक है बेटा और टर्शी की इस में दिखेंगे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है तो सॉल्वेशन इफेक्ट को देखते हैं तो वहां पर भी सबसे लास्ट में आएगा हमारा टर्स अमाइन समझ रहे हो और अगर हम देखते हैं बेटा स्टेरिक इफेक्ट को स्टेरिक हिंड्रेंस को तो वहां पर भी ज़्यादा जो हमारे अलकाइल ग्रुप है किस केस में है वो हमारे के केस में तो स्टेरिक हिंड्रेंस करेंगे टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसलिए सबसे ज्यादा बढ़िया बेसिक कौन हो जाएगा स्टेरिक इफेक्ट और सोल्यूशन इफेक्ट दोनों को कंसिडर करके प्राइमरी उसके बाद सेकेंडरी उसके बाद टर्श्री अब दोनों की वजह से ये ट्रेंड आ रहा है और प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये ट्रेंड आ रहा है टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी ये ऑर्डर आ रहा है तो इन दोनों ऑर्डर को अगर हम देखते हैं बेटा तो आपको क्या कॉमन चीज देखने को मिल रही है जो सेकेंडरी है सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी हो रही है दोनों के केस में इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है ठीक है तो इसलिए सेकेंडरी कैबिटा सबसे पहले आ जाएगा सबसे बढ़िया बेसिक स्ट्रेंथ बेसिस सिटी किस अमाइंड की है सेकेंडरी वाले अमाइन की ठीक है तो सेकेंडरी वाले अमाइन की हो जाएगी उसके बाद अब बेटा यहाँ पर हमारे पास दो आती हैं चीजें एक है हमारा स्मॉल ग्रुप एक है लार्ज ग्रुप स्मॉल हेल ग्रुप है लार्ज हेल ग्रुप है अब जो मिथाइल होता है वो क्या है बेटा स्मॉल हेल ग्रुप अब जो इथाइल है वो क्या लार्ज है उसका थोड़ा बड़ा साइज है बल्कि ग्रुप है थोड़ा ठीक है तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं मिथाइल के केस में पहले हम बात कर लेते हैं मिथाइल के केस में तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं सिर्फ मिथाइल के केस में अगर हम बात करते हैं बेटा तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखो टर्सरी देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी ये तो हो गया अब उसके बाद अगर हम देखते हैं बेटा यहाँ पर ईस वाले केस में अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो यहाँ पर मुझे बताओ कौन से वाला ज्यादा होगा अब यहाँ पर सेकेंडरी तो हो गया अब बच्चे प्राइमरी और टर्सरी इसको हमें डिसाइड करना है तो प्राइमरी टर्सरी को यहाँ पर तो बेटा टर्शरी देन प्राइमरी ठीक है टर्सरी हो जाएगा ज़्यादा प्राइमरी से अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं प्राइमरी और टर्सरी में से तो किसका होगा अब यहाँ पर मिथाइल को हमें देखना है अब अभी जो, जो मिथाइल ग्रुप है ये क्या है हमारा छोटा ग्रुप होता है ठीक है तो छोटा ग्रुप है तो यहाँ पर इतना हमारा स्टेरिक इफेक्ट नहीं होगा ठीक है सोलवेशन इफेक्ट भी क्या है हमारा ठीक रहेगा यहाँ पर प्राइमरी का ज्यादा होगा देन टर्सि और यहाँ पर जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो ज्यादा नहीं होगी तो यहाँ पर कौन सा फैक्टर बेटा डोमिनेट करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जो बेटा फैक्टर है हमारा वो डोमिनेट कर जाएगा ठीक है यहां पर विनर कौन हो जाएगा प्राइमरी और टर्शरी में से यहां पर बेटा विनर हो जाएगा हमारा प्राइमरी वाला बिकॉज टर्शरी वाला किसमें विनर है प्लस आई इफेक्ट में प्लस आई इफेक्ट हमारा डोमिनेट नहीं किया यहां पर यहां पर हमारा डोमिनेट कर जाएगा जो हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये वाला फैक्टर हमारा डोमिनेट कर जाएगा ओवर दी एल्काइल ग्रुप का इफेक्ट ओवर दी प्लस आई इफेक्ट ग्रुप ठीक है प्लस आई इफेक्ट बिकॉज यहां पर जो मिथाइल है वो हमारा स्मॉल ग्रुप है ठीक है तो यहां पर कौन सा डोमिनेट कर गया बेटा हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला तो पहले प्राइमरी आ जाएगा उसके बाद टर्सरी आ जाएगा बिकॉज यहां पर प्राइमरी वाला डोमिनेटिंग है ना तो इसलिए यहां पर पर प्राइमरी पहले आएगा आएगा उसके बाद अगर हम बात करते हैं थाइल के केस में सी एच थ्री था अब यहाँ पर सीएस थ्री सी एस टू है बेटा अब ये वाला ग्रुप जो है वो बड़ा हो गया लार्ज ग्रुप हो गया अब इसमें हमें देखना पड़ेगा अब यहां पर अगर हम देखते हैं के केस में तो यहाँ पर क्या है बेटा हमारे पास अब वह यहाँ पर हमें टर्शरी और प्राइमरी में से देखना है अब प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग तो टर्शरी होना चाहिए ठीक है अगर हम देखते हैं सोल्यूशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर प्राइमरी होना चाहिए अब प्राइमरी टर्सरी में से हमें देखना है कौन पहले आएगा अब ये बड़ा ग्रुप हो गया अब बड़े ही ग्रुप में बेटा यहाँ पर क्या होगी स्टेरिक हिंड्रेंस होगी टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसलिए यहाँ पर बेटा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर है वो डोमिनेट नहीं करेगा बिकॉज वहां पर स्टेबिलिटी इतनी नहीं होगी अमोनियम के टाइम ठीक है तो स्टेबिलिटी अगर ज्यादा नहीं है तो वहां पर जो बेसिसिटी है वो भी कम होगी ठीक है तो जहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो वाला जो जो हमारा फैक्टर है वही तो डोमिनेट करेगा तो यहां पर तो क्या हो रहा है बेटा स्टेरिक इफेक्ट आ जाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगी टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिकॉज जो हमारा क्या है ग्रुप है वो क्या लार्ज है इथाइल ग्रुप है तो यहाँ पर प्राइमरी अमाइन है उसकी बेसिसिटी ज्यादा नहीं होगी तो बेसिसिटी ज्यादा किसकी होगी हमारी टर्स अमाइन की हो जाएगी ठीक है यहां पर जो हमारा फैक्टर है प्लस आई इफेक्ट वाला फैक्टर डोमिनेट कर जाएगा ओवर दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फैक्टर ओवर दी सॉल्वेशन इफेक्ट ठीक है तो यहां पर जो बेटा प्लस आई इफेक्ट वाला जो हमारा फैक्टर है वो डोमिनेट कर जाएगा तो इसलिए किसकी ज्यादा हो जाएगी बेटा टर्शरी की ज्यादा हो जाएगी ठीक है बिकॉज यहां पर लार्ज ग्रुप की वजह से क्या हो जाएगी स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसलिए मिथाइल के केस में क्या हो जाएगा टू वन थ्री एंड इथाइल के केस में क्या हो जाएगा टू थ्री वन उसके बाद दोनों के में अमोनिया है ठीक है समझ में आया बेटा ऑर्डर ये था हमारा एक्वा सोल्यूशन के केस में अगर हम बात कर रहे हैं अगर हम गैस फेज में बात करते हैं गैसेस फेज के अंदर हम बात करते हैं गैसेस फेज में अगर हम देखते हैं मिथाइल अमाइन के केस में ठीक है जो हमारे मिथाइल अमाइन है उनके केस में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो ऑर्डर आता है बेटा वो आता है हमारे पास टर्शी देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी एंड देन अमोनिया अब पूछो ऐसा ऑर्डर क्यों आता है मैम ऐसा ऑर्डर इसलिए आता है बेटा क्योंकि यहां पर सोलवेशन इफेक्ट हमारा कंसिडर ही नहीं हो रहा है ठीक है यहां पर कोई एक्वस वाटर के अंदर थोड़ा ना कर रहे बात यहां पर तो हम गैशेस में बात कर रहे हैं तो गैशेस फेज में तो यहाँ पर तो सोलवेशन इफेक्ट है ही नहीं देर इज नो सोलवेशन इफेक्ट ठीक है तो इसलिए क्या हो जाएगा टर्शी वाला सबसे ज्यादा उसके बाद सेकेंडरी देन प्राइमरी एंड देन अमोनिया क्लियर हो गया नेक्स्ट बेटा बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमाइंस बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमाइंस तो देखिए जो एरोमेटिक अमाइंस होते हैं बेटा उनकी जो बेसिसिटी है जो बेसिक कैरेक्टर है वो क्या होता है कम होता है एलिफेटिक अमाइन से भी और अमोनिया से भी इन दोनों से कम होता है जो बेसिक कैरेक्टर है जो बेसिसिटी है एरोमेटिक अमाइंस की तो जो एरोमेटिक एरोमेटिकमाइंस हो जाएंगे वो क्या है लेस बेसिक है एरोमेटिकमाइंस आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमाइंस एलिफेटिकमाइंस एंड अमोनिया एलिफेटिक से भी और अमोनियम दोनों से ही क्या होते हैं बेटा कम बेसिक होते हैं जो हमारे होते हैं वो ठीक है तो यहां पर रीजन क्या है जिसके लिए हमारे एरोमेटिक होते हैं ठीक है किस वजह से होते हैं, होते हैं से होते है? एक तो यहां पर बेटा रेजोनेंस होती है ठीक है ड्यू टू रेजोनेंस इन एनिल एनिलिन दूसरा फैक्टर आता है बेटा यहाँ पर लोअर स्टेबिलिटी लोअर स्टेबिलिटी ऑफ एनिलेनियम आयन ऑफ एनिलीनियम आयन देन एनिलीन ठीक है जो एनिलीनियम आयन है बेटा उसकी क्या होती है लोअर स्टेबिलिटी होती है देन एनिलीन ये दो फैक्टर्स है कि जो एरोमेटिक अमाइनस है वो कम बेसिक होते हैं अमोनिया से ठीक है और एलिफेटिक अमाइन से भी वो क्या बेटा कम बेसिक होते हैं इसके बाद देखिए तो फर्स्ट हम देखते हैं ड्यू टू रेजोनेंस इन एनिलीन अब देखिए फर्स्ट है हमारा ड्यू टू रेजोनेंस एन एनिलीन एनिलीन के अंदर जो रेजोनेंस है उसको हम देखते हैं ठीक है के ऊपर बेटा यही होता है हमारा एनिलीन कैसे नहीं फॉर्म करेंगे हम ठीक है ये यहाँ पर पेयर्स होते हैं ठीक है रेजोनेंस किस तरीके से होगी ये वाले यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे ये वाले लॉन पेयर यहाँ पर आ जाएंगे ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से हमारी रेजोनेंस होती है ट्वेल्थ में पढ़ के आए हो आप है ना रेजोनेंस आता है आपका ये पूरा कंसेप्ट बेसिक करेक्टर वाला एनएच टू यहाँ पर क्या जाएगा? आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ठीक है ना यहाँ पर पेयर यहां पर आ गया तो यहां पर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पर हमारे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ठीक है मतलब लॉन्ग पेयर सही उसके बाद यहाँ पर ये यह वाला बॉन्ड है और यहाँ पर ये यह वाला बॉन्ड है इस तरीके से हो जाएगा क्लियर हो गया इसके बाद देखिए यहाँ पर अब क्या होगा ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है बेटा यहां पर आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से होता है ये मेरा फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये सेकंड है और ये थर्ड हो जाएगा तो यहां पर देखिए ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ है तो यहां पर आ जाएगा एक बॉन्ड और यहां पर बेटा लॉन पेयर है ये नेगेटिव चार्ज ठीक है तो फिर यहां पर एक बॉन्ड है उसके बाद यहां पर ये डबल बॉन्ड एन एच टू और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है अब यहां पर किस तरीके से होगा ये वाला नेगेटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा और ये वाला यहां पर शिफ्ट हो जाएगा फिर देखिए हमारा फोर्थ आ जाएगा रेजोनेटिंग तो स्ट्रक्चर तो यहां पर शिफ्ट हुआ है तो यहां बॉन्ड आ जाएगा और ये वाला चार्ज यहां पर आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड ये है एन एच टू पॉजिटिव और ये वाला हमारा बॉन्ड है इस तरीके से हो जाएगा बेटा ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है हमारा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया अब ये वाला जो चार्ज है बेटा यहाँ पर वापस से आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड वापस इसके पास चला जाएगा हमारा लॉन पेयर आ जाएगा तो देखिए इस तरीके से हो गया तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड है तो पर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी यह हो हो यहाँ पर कितनी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आ रही है हमारी पांच स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं ऐसे ऐसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ऑल राइट देखो यहां अल्टरनेट हो होगी ना हमारी बॉन्ड्स पहले यहां पर था नीचे आ गया फिर यहाँ पर था इस साइड आ गया और यहाँ पर था ये इस साइड आ गया ठीक है फर्स्ट और फिफ्थ को अगर हम कंपेयर करते हैं तो तो देखिए पांच हमारे पास यहाँ पर क्या आ गए बेटा ये हमारी स्ट्रक्चर्स आ गए रेजोनेंस हाइब्रिड जो है ये कितने स्ट्रक्चर्स का है हमारी फाइव कंट्रीब्यूटिंग तो स्ट्रक्चर्स का तो है तो यहाँ पर बेटा क्या हो रही है रेजोनेंस हो रही है हमारी ठीक है यहाँ पर जो हमारा लॉन पेयर है वो एक जगह पे नहीं है ठीक है ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये एक जगह पे नहीं है लोकलाइज्ड नहीं है ये ये क्या बेटा डेलोकलाइज है है ना डेलोकलाइज हो रहा है ना ये देखो डेलोकलाइज दे हो रहा है तो ये एक जगह पे नहीं है अब ये डेलोकलाइज है बेटा एक जगह पे नहीं है तो ये जो हमारा पेयर है इलेक्ट्रॉन का ये कम अवेलेबल होगा ठीक है प्रोटोनेशन के लिए ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है

ये प्रोटोन को एक्सेप्ट करके फॉर्म करे एनिलिनियम आयन इसकी जो इसकी कैपेबिलिटी है ठीक है इसकी जो एबिलिटी है वो कम है बिकॉज ये क्या है बेटा एनिलीन हमारा स्टेबल है बिकॉज यहाँ पर रेजोनेंस हो रही है ठीक है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से यहां पर पांच और स्टेबिलिटी की ही वजह से जो एनिलीन है वो कम कैपेबल होता है लेस टेंडेंसी होती है कम टेंडेंसी लिटल टेंडेंसी एक्सेप्ट करके हमारे किसको प्रोटोन को ये फॉर्म कर ले, एनिलीनियम आयन क्लियर हो गया बच्चों अब सेकेंड देखो ड्यू टू सेकेंड देखो लोअर स्टेबिलिटी ऑफ एनिलीनियम आयन देन एनिलीन अब यहाँ पर बेटा दो आते हैं हमारे स्ट्रक्चर यहाँ पर इस तरीके से है <coughs> ये एनएच थ्री पॉजिटिव एनिलीन से फॉर्म हो जाता है एनिलीनियम आयन जब वो एक्सेप्ट कर लेता है एक प्रोटॉन को ठीक है बेटा तो ये एनिलीनियम आयन हो गया अब यहां पर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ये यहाँ पर ये यहाँ पर तो यहाँ पर किस तरीके से आ जाएगा ये हमारी फोर्थ स्ट्रक्चर है ये हमारी फिफ्थ स्ट्रक्चर हो जाएगी ये यहां पर आ गया ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया और ये वाला बॉन्ड यहां पर आ गया ये एनएच थ्री पॉजिटिव है है ठीक बेटा तो यहां पर देखिए ये ये जो एनिलीन है ये तो है तो रेजोनेंस हाइब्रिड हमारी पांच स्ट्रक्चर का ठीक है और एनिलीनियम आयन जो है वो रेजोनेंस हाइब्रिड है हमारी दो स्ट्रक्चर्स का फोर्थ एंड फिफ्थ तो इसीलिए एनिलीन ज्यादा स्टेबल हो गया किससे एनिलीनियम आयन से तो एनिलीनियम आयन की जो स्टेबिलिटी है बेटा वो कम होती है एनिलीन से इसलिए एनिलीन की लिटल टेंडेंसी है हाँ, उसको प्रोटोन को एक्सेप्ट करके फॉर्म करने की एनिलीनियम आयन को क्लियर हो गया और जो हमारी एरोमेटिक तो अमाइन एनिलेन की बेटा हमारी कम टेंडेंसी है प्रोटोन को एक्सेप्ट करके फॉर्म करने की एनिलेनियम आयन को और यहां पर अगर हम देखते हैं बेटा प्लस आई इफेक्ट भी होता है एलिफेटिक अमाइंस के केस में एलिफेटिक अमाइंस में क्या होते हैं बेटा हमारे आर ग्रुप होते हैं एल्काइल ग्रुप्स होते हैं ठीक है थीके? क्या होता है बेटा एलकाइल ग्रुप्स अब ये जो एलकाइल ग्रुप्स होते हैं इनका कैसा होता है बेटा प्लस आई इफेक्ट होता है ठीक है इनका क्या होता है प्लस आई इफेक्ट होता है उल्टा ये तो क्या करते हैं जो आर ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं तो इसलिए वो बेसिक ज्यादा होते हैं तो इसीलिए जो हमारे एलिफेटिक अमाइंस है वो भी क्या ज्यादा बेसिक हो जाएंगी किससे हमारे और एरोमेटिक अमाइंस है अदर जो हमारे एरोमेटिक अमाइंस हैं और जो अमोनिया है जो अमोनिया है वो भी जो हमारा अमोनिया है ये भी क्या है ज्यादा बेसिक है बेटा किससे हमारे एरोमेटिक अमाइन से एनिलीन से बिकॉज यहाँ पर क्या है पेयर हमारे अवेलेबल है यहाँ पर ऐसा तो नहीं है डीलोकलाइजेशन हो रही है नहीं बिकॉज यहाँ पर रेजोनेंस ही नहीं है यहाँ पर कोई भी डिलोकलाइजेशन नहीं इलेक्ट्रॉन्स के एलिफेटिक अमाइंस के केस में भी और यहाँ पर हमारे अमोनिया के केस में भी ठीक है ना ही एलिफेटिक अमाइंस के केस में ना ही अमोनिया के केस में क्या है बेटा हमारी डीलोकलाइजेशन है इलेक्ट्रॉन्स की बाई रेजोनेंस तो इसी ये क्या हमारे कम अवेलेबल नहीं है ये अवेलेबल है हमारे लोकेलाइज हैं ये समझ आई बात तो इसीलिए जो हमारे एनिलीन हो गया और एरोमेटिक अमाइंस हो गया वो कम बेसिक हो जाएंगे बेटा एलिफेटिक अमाइंस से भी और अमोनिया से भी दोनों से ही क्या है बेटा कम बेसिक हो जाएंगे एनिलीन भी और एरोमेटिक अमाइंस भी समझ आया बेटा कंसेप्ट नेक्स्ट बेटा यहाँ पर हमारे पास दो तीन क्वेश्चन है इनके हम आंसर करेंगे देखिए फर्स्ट के अंदर तीनों के अंदर ही हमें बेसिस के ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है इनको देखिए फर्स्ट के अंदर है यहाँ पर हमारे पास बैनजीन के ऊपर एन एच टू है ठीक है और यहाँ पर बैनजीन है यहाँ पर एन एच और साथ में आर एल्काइल ग्रुप है तो देखिए फर्स्ट केस में अगर हम देखते हैं तो बैनजीन के ऊपर क्या है बेटा एन एच टू है और यहाँ पर बैनजीन है और साथ में एन एच आर है

अवेलेबल होंगे जबकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो क्या होंगे हमारी इतनी अवेलेबल नहीं होंगे इसके कंपेयर में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे वो ज़्यादा अवेलेबल होंगे और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा यहाँ पर जो आयन फॉर्म होगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा फिर ये पॉजिटिव चार्ज भी जो है वो ज़्यादा डिस्पर्स हो जाएगा ठीक है और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी क्या होंगे बिकॉज यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट इसका तो इसलिए ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स को देगा और ये लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल हो जाएंगे फॉर शेयरिंग एंड फॉर प्रोटोनेशन क्लियर हो गया बेटा तो इसलिए ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा हमारा ये वाला कंपाउंड हो जाएगा ठीक है सेकेंड में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर सी थ्री एन एच टू है सी एच थ्री एन एच टू उसके बाद सी सिक्स एच फाइव सी एच टू एन एच टू है बेटा यहाँ पर सी सिक्स एच फाइव सी एच टू एन एच टू सी एच टू एन एच टू और साथ में है हमारे पास एन एच थ्री एन एच थ्री अब इन तीनों को हमें ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है किसकी ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर लॉन्पेयर ये अमोनिया है ये हमारा सी एस थ्री मिथाइल अमाइन है यहाँ पर हमारी लॉन पेयर है अब इसका इफेक्ट कैसा होता है बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स को देगा ठीक है अब यहाँ पर भी ये क्या है बेटा इलेक्ट्रॉन्स को देगा ठीक है ये ज़्यादा देगा ये कम देगा ठीक है ये क्या है बेटा उससे भी कम देगा बिकॉज यहाँ पर क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट आ गया और यहाँ पर भी क्या बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट है बट तो यहाँ पर कम अवेलेबल होगा यहाँ पर ज़्यादा अवेलेबल होगा ठीक है तो इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा ये वाला उसके बाद ये वाला ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का क्लियर है ये हमारा बेंजाई अमाइन है और ये क्या है मिथाइल अमाइन है तो मिथाइल अमाइन ज्यादा बेसिक नेचर में होगा देन बेंजाइलाइन और राइट तो ये क्या है मिथाई लमाइन मिथाई लमाइन ये क्या बेटा बेंजाई अमाइन है तो ये क्वेश्चन आ जाता है अमाइन जो है वो ज्यादा बेसिक हो गया है मिथाई तो मिथाइल अमाइन ज़्यादा बेसिक होगा बेन्जाइल अमाइन से और बेन्जाइल अमाइन ज्यादा बेसिक होगा अमोनिया से क्लियर हो गया उसके बाद यहाँ पर देखिए सी सिक्स एच फाइव सी सिक्स एच फाइव एन है उसके बाद यहाँ पर दो सी एच थ्री ग्रुप अटैच है फर्स्ट ये है सेकेंड है सी सिक्स एच फाइव एन यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर सी एच थ्री है उसके बाद है सी सिक्स एच फाइव एन एच टू एन एच टू सेकेंड इसको हम थर्ड कंसिडर कर लेते हैं ठीक है थीके? फर्स्ट सेकंड थर्ड अब अरेंज करना है इनको ऑर्डर के अंदर बेसिक ऑर्डर के अंदर तो देखिए बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी अब सी सिक्स एच फाइव है बेटा ये क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है ठीक है यहाँ पर ये क्या बेटा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है और यहाँ पर देखिए ये भी क्या है सी सिक्स एच फाइव सेम इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन विड है ठीक है बेटा अब यहाँ पर जो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ठीक है थीके? ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनस है ये किस कौन ज्यादा आसानी से देगा ठीक है किसके पास ज्यादा अवेलेबल है ये तो ये देखिए यहां पर दो मिथाइल ग्रुप दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स बट एक यहां से खींच रहा है ठीक है बेटा यहां पर ये सिर्फ खींच ही रहा है ठीक है और ये एक दे रहा है और यहां पे एक खींच रहा है ठीक है तो देखिए यहां पर एक दे रहा है बट यहां पर कोई भी देने वाला नहीं है तो सबसे कम ये हो जाएगा सबसे कम

गया बेटा ग्रुप आ गया ठीक है है अब ये इन दोनों का का बेटा बेटा तो तो को देंगे समझ बात तो सबसे ज़्यादा हो हो जाएगा जाएगा उसके उसके बाद बाद थर्ड। इस तरीके से हमारा पर आ गया बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर किस तरीके से आए पर? वीडियो में करते हैं। यहां तक आपको कोई भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मिलते नेक्स्ट वीडियो में